हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द बैक साइज ऑफ चैप्टर नंबर 10, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसका अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले। वाटर लेंस की तरह बिहेव कर सकता है, ग्लास भी, प्लास्टिक भी, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है वो भी कर सकता है, लेकिन क्ले कहीं से कहीं तक लेंस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, क्ले। क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर डज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? जो कॉन्केव मिरर है एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करते हैं? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। थर्ड क्वेश्चन देख ले हम लोग, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? कॉन्वेक्स लेंस है ये ना, मिरर नहीं है, लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइज की इमेज कब मिलती है? हमें पता है चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों ही केस में सेम साइज की इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो यहाँ पर लेंस के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग 2F भी बोलते हैं, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो आंसर क्या आएगा? बी, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोर्थ क्वेश्चन देख ले हम लोग, अ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। अब नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब मिरर की बात करें, किस मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? दो मिरर होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव में यू वी एफ तीनों नेगेटिव होते हैं, कॉन्वेक्स में यू नेगेटिव वी एफ पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग, तो मिरर कौन सा होगा, किस मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? तो कॉन्केव मिरर में। लेंस की बात भी करें तो सेम होता है, कॉन्वेक्स लेंस में भी यू नेगेटिव वी एफ पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस में यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव। तो मिरर की बात करें तो मिरर भी कॉन्केव होगा, लेंस की बात करें तो लेंस भी कॉन्केव। चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स, सॉरी, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, दोनों ही केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो आंसर क्या है इसका? बोथ कॉन्केव। फिफ्थ क्वेश्चन देख लें हम लोग इसका, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, यू योर इमेज अपियर्स इरेक्ट द मिरर इज। सिर्फ एक ही इमेज है, एक मिरर होता है जो हमेशा इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा मिरर होता है? आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसके अलावा हमारे घर में जो मिरर हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। आप लोग अपने घर में जो मिरर यूज़ करते हैं प्लेन मिरर, उसमें भी अगर आप इमेज देखें तो इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट इमेज बन रही मतलब प्लेन मिरर भी इरेक्ट इमेज बनाता है। तो आंसर क्या आएगा? आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें हम इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेस वुड यू प्रिफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी? ठीक है, पहली चीज़ तो हम लोग वो लेंस यूज़ करेंगे जो इमेज को मैग्नीफाई कर सके, बड़ी इमेज बना सके। कॉन्केव लेंस तो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाती है, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही है जो हमेशा या तो हमेशा एनलार्ज इमेज बनाती है। कुछ केस में डिमिनिश बनाती है लेकिन वो एनलार्ज बनाती है, लेकिन कॉन्केव लेंस जो है वो तो हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनाएगी। तो ये तो कन्फर्म हो गया, लेंस तो कौन सी लेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। अब सेकेंड चीज, हम लोग वो लेंस लेंगे जिसकी पावर ऑफ लेंस ज़्यादा हो। पावर ऑफ लेंस ज़्यादा किसकी होती है? जिसकी फोकल लेंथ कम होती है, बिकॉज पावर ऑफ लेंस इज 1/F, या बोल सकते हैं पावर ऑफ लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो लेंस तो कन्फर्म हो गई कौन सी है? कॉन्वेक्स लेंस। उसकी पावर ऑफ लेंस ज़्यादा होना चाहिए, पावर ऑफ लेंस ज़्यादा कब होगी? जब उसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो देखिए आप लोग, फोकल लेंथ कम कौन सी है? 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा? सी, कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। सेवंथ क्वेश्चन देख ले हम लोग, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्या बनानी है? इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। किस केस में? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करते हैं? पोल और फोकस के बीच में। वॉट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? अच्छा, फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट मिलेगी, पोल और फोकस के बीच में। पोल को अगर 0 मान ले, फोकस को 15 मान ले, तो 0 से 15 के बीच में आप कहीं पर भी प्लेस करोगे तो इमेज हमेशा क्या मिलेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो रेंज क्या होगी? 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? एनलार्ज इमेज बनती है इस केस में, मतलब लार्जर बनेगी। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो आप लोग देख लें, इसमें जो इसका रे डायग्राम है ये है, ये हम लोग पहले बना चुके हैं, वैसे सेम रे डायग्राम आपको फिर से रिपीट करना है।
क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। फर्स्ट मिरर, हेडलाइट ऑफ कार। आपको पता है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, ताकि आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाए। दूसरा, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, इसमें क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स क्यों करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स एक तो हमेशा इरेक्ट इमेज देगा, सीधी इमेज। दूसरी, ये डिमिनिश इमेज देता है, उसका हेल्प उससे हेल्प क्या मिलती है, ताकि लार्ज एरिया हमको स्मॉल स्क्रीन पर दिख जाए। सोलर फर्नेस में हम अगेन यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, ताकि सनलाइट को आपके पर्टिकुलर यूटेंसिल के ऊपर कन्वर्ज कर दे, क्योंकि कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, लाइट को कन्वर्ज करना। तो सन से जो भी सनलाइट आएगी उसको ये यूटेंसिल्स के ऊपर कन्वर्ज कर देता है। तो पहले का आंसर कॉनकेव, दूसरे का कॉन्वेक्स, तीसरे का कॉनकेव। एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी डिस्कस भी किया आप लोगों से, कॉनकेव मिरर इज यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ कार। दिस इज बिकॉज कॉनकेव मिरर्स कैन प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट देयर प्रिंसिपल फोकस। बी, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज इन रियर साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। बिकॉज ऑफ दिस दे हैव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, ज़्यादा एरिया वो देख सकते हैं। इट इनेबल्स द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम हर। कॉनकेव मिरर आर कन्वर्जेंट मिरर्स, दिस इज वाई दे आर यूज टू कंस्ट्रक्ट सोलर फर्नेसेस। कॉनकेव मिरर्स कन्वर्ज द लाइट इंसिडेंट ऑन देम एट अ सिंगल पॉइंट नोन एज प्रिंसिपल फोकस, हेंस दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट दैट पॉइंट। 9 क्वेश्चन देख लें हम लोग। वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखना, लेंस के सामने जो हम लोग ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं उस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस पास होती है। ये इनफाइनाइट रेस लेंस से पास होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी और एक पॉइंट पर सारी की सारी मिलेगी। जिस पॉइंट पर सारी रेज मिलती है वहाँ पर क्या बनती है, इमेज। हम लोग हमारे कन्वीनियंस के लिए सिर्फ दो रे का यूज़ करते हैं और दो रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर क्या बनती है, इमेज। लेकिन एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज पास होती है। अब लेंस का आपने क्या कर दिया, नीचे का पोर्शन ब्लैक से कवर कर दिया, लेकिन ऊपर का पोर्शन तो क्या है, उस पर तो कोई ब्लैक पेपर हमने कवर किया नहीं है। तो ऊपर वाले पोर्शन से बहुत सारी रेज पास होंगी और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। मतलब इस केस में भी इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल है। बस डिफरेंस क्या होगा, अगर लेंस पूरी खुली हुई होती, ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं होती, तो लाइट रेज ऊपर से भी पास होती, नीचे से पास होती, बहुत सारी लाइट रेज पास होती और इंटरसेक्ट होती और इमेज बनती। तो उसमें जो इमेज बनती उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सिर्फ लाइट ऊपर वाले पोर्शन से पास हो रही है तो इमेज की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम रहेगी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, द कैनवस कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन इफ इट्स वन हाफ इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग टू केसेस। When the upper half of the lens is covered, in this case, a ray of light coming from the object will be refracted by the lower half of the lens. These rays meet at the other side of the lens to form the image of the object. ये आप देख रहे हैं, डायग्राम बना लेंगे आप लोग। Second case, when the lower half of the lens is covered, in this case, a ray of light coming from the object is refracted by the upper half of the lens. These rays meet at the other side of the lens to form the image of the given ऑब्जेक्ट ए शोन इन दी फॉलोइंग फिगर। आप लोग फिगर देख सकते हैं, मतलब दोनों केस में इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल है। बट डिफरेंस क्या होगा, जो ब्राइटनेस रहेगी इमेज की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। 10th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है था, मैक्सिमम बच्चों ने कर भी लिया होगा, लेकिन फिर से डिस्कस कर ले हम लोग। लेंस कौन सी, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 5 सेंटीमीटर। कहाँ पर रखा उसको, 25 सेंटीमीटर पर, तो यू कितना हो जाएगा, -25, फोकल लेंथ 10। क्या निकालना है, इमेज निकालना है, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज वी निकालना है। जो चीज़ गिवन नहीं है उसका हम लोग साइन यूज़ नहीं करते हैं, तो वी का हमने साइन यूज़ नहीं किया यहाँ पर। अब लेंस फॉर्मूला यूज़ किया, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। निकालना क्या है, वी निकालना है। तो अपन ने 1/v के फॉर्म में जमा लिया, सिंप्लीफाई किया, वी की वैल्यू कितनी आ रही है, 16.66, मतलब पोजिशन ऑफ इमेज क्या रहेगी, 16.66 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन निकाल लें, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी कितना आया था, -16.66, तो -v/u होता है। ये लेंस है, लेंस में -v/u नहीं होता है, +v/u होता है। तो इस माइनस साइन को आप लोग हटा लेंगे, तो इमेज डिस्टेंस कितना है, 16.66, यू होता है नेगेटिव, यू नेगेटिव होता है,
तो -25 रखोगे, माइनस को ऊपर कर दिया उन लोगों ने, तो -16.66 हो गया अपॉन में 25। तो आंसर कितना आया, -0.66। अब मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन कितना आया आपका, 0.66। हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है। जब सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है, -3.3 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन देखो आप लोग कितना आ रहा है, -0.66। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और 0.66 मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब डिमिनिश्ड। रे डायग्राम बना सकते हैं आप लोग, अब आप लोग अभी तो रे डायग्राम बना लें, इसको हम लोग जब क्लास स्टार्ट होंगी उसमें आपको प्रॉपर वे में समझाऊंगा, या अगर आप अभी भी समझना चाहें कोई इशू नहीं है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, 25 सेंटीमीटर, ध्यान समझना, ऑब्जेक्ट था 25 सेंटीमीटर पर, फोकस कितना है 10, अगर एफ 10 होगा तो 2f कितना हो जाएगा 20, एफ अगर 10 है 2f कितना हो जाएगा 20, और ऑब्जेक्ट का रखा 25, मतलब 20 के पीछे, 20 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट का है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज का बनेगी सी और एफ के बीच में, मतलब एफ टू टू एफ टू के बीच में। तो आप लोग देख रहे हैं इमेज बन भी कहा रही 16.66, मतलब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एफ टू कितना है 10, टू एफ टू कितना है 20, 10 और 20 के बीच में बन रही है 16.66, आपका वेरीफाई हो गया। इस टाइप से आप लोग करेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी 5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट कितनी है 3.3 सेंटीमीटर। तो इस वे में आप लोग रे डायग्राम भी बना लेंगे। अगला क्वेश्चन, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। अब कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस के लिए यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, सब नेगेटिव होता है। तो एफ तो कितना हो जाएगा -15, इमेज का बन रही है -10 हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, यू निकालना है, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जो चीज़ गिवन नहीं हो उसका साइन हम लोग कंसिडर नहीं करते। लेंस फॉर्मूला 1/v -1/u = 1/f। अब -1/u है, इसको जब आर एच एस साइड ले जाओगे तो +1/u बन जाएगा, 1/f आर एच एस साइड है, एल एच एस साइड ले जाओगे तो -1/f बन जाएगा। तो इक्वेशन जमा के लिख दें तो 1/u = 1/v -1/f, वी और एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/v किसके इक्वल आ रहा है, -5/(अपॉन में 150, 5 से कट जाएगा, 5 × 5 30 × 150, -1/30 आया, इसका रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग, तो u कितना हो जाएगा -30, 1/u = -1/30 आया है। एक स्टेप आप लोग बढ़ा लेना, फिर लिखना ऑन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल किया हम लोगों ने, उल्टा कर दिया, तो u कितना हो जाएगा -30। अब यहाँ पर u कितना आ चुका है -30, रे डायग्राम बना ले हम लोग, फोकस कितना था 10, तो 2f1 कितना हो जाएगा, सॉरी वही चीज़ देख ले हम लोग, f1 फोकस सॉरी 15 था, तो फोकस f1 15 होगा तो 2f1 कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर मतलब 30 पर ऑब्जेक्ट रखा है, यू 30 भी है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है 2f1 पर, मतलब c1 पर। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, कॉन्केव लेंस है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होती तो ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पर होती तो इमेज का बनती है 2f2 पर, बट ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव सॉरी कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस में सिर्फ एक ही केस होता है, दो केस होते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज का बनती है फोकस पर, और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर दो, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनती है। तो वही बात हो गई, दूसरा केस यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, इमेज का बन जाएगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। आप देख भी रहे होंगे वी कितना है 10 है, फोकस 15 था, इमेज का बन रही 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बन रही है, वेरीफाई हो गया अपना। यहाँ पर ये डायग्राम प्लॉट कर लेंगे आप लोग, 12th क्वेश्चन देख लें हम लोग इसका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, यू नेगेटिव होता है, वी और एफ पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट कितना है 10, तो यू -10 हो जाएगा, एफ हो जाएगा +15, वी निकालना है, वी गिवन नहीं है तो हम लोग उसका साइन कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर मिरर फॉर्मूला अप्लाई किया, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, 1/v की वैल्यू निकालना है, 1/v को हम लोग 1/u को हमने आर एच एस साइड शिफ्ट किया, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ और यू की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ 15 है, यू 10 है, अच्छा यू 10 नहीं था, यू की वैल्यू -10 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +1/10 हो जाएगा। एलसीएम लिया क्या रहा है 25/150, 25 से कैंसिल हो जाएगा 1/6, 1/v = 1/6, एक स्टेप और बढ़ा देना, रेसिप्रोकल करेंगे तो वी कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन निकाला, फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, v की वैल्यू कितनी है 6 है, u कितना है -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना रहा +0.6, प्लस का शो करता है नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट, 0.6 वन से छोटा, वन से छोटा मतलब डिमिनिश्ड। 13th क्वेश्चन देख लें, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। प्लस क्या शो करता है, नेचर शो करता है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, वन क्या शो करता है सेम साइज, मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, जो नेचर रहेगा इमेज का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या रहेगी सेम साइज।
14th क्वेश्चन देख ले हम लोग. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज. कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स मिरर के लिए यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव, एफ बी पॉजिटिव. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू मतलब -20 हो जाएगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है. फोकल लेंथ क्या होती है? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इसका? हाफ मतलब 15. F15 आ गया आपका. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है. V निकालना है. V गिवन नहीं है, साइन हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/V + 1/U = 1/F. V निकालना है. V निकालना है, U को साइड रख देंगे हम, आर्चर साइड प्लस कर देंगे तो -1/U. F की वैल्यू 15, U था -20. माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस. LCM लेंगे क्या आया? 7/60. इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. 1/V = 7/60 आया. इसका रेसिप्रोकल करोगे तो V कितना जाएगा? 60/7. और 60/7 को सॉल्व कर लोगे, V कितना जाएगा? 8.57. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? -V/U. V कितना है? 8.57. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, माइनस माइनस कट जाएगा. सॉल्व किया 0.428. आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब नेचर क्या रहेगा? वर्चुअल डायरेक्ट. 0.428 1 से छोटा है, मतलब साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड. मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. M की वैल्यू 0.428. H गिवन नहीं है. H कितना गिवन है आपको? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5. जब सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो H निकल जाएगा. H कितना आ रहा है? 2.14 सेंटीमीटर. ये हम लोगों का 14 क्वेश्चन हो गया. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन. 15 क्वेश्चन क्या है आपका? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर. मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में ध्यान रखना है यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, एफ भी नेगेटिव, सब नेगेटिव होते हैं. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर है तो यू -27, फोकल लेंथ -18 हो जाएगा. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर. आपको क्या निकालना है? वी निकालना है. यहाँ पर भी मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/V + 1/U = 1/F. वी की वैल्यू निकालना है. 1/U को हमने उधर शिफ्ट कर दिया. एफ की वैल्यू -18, यू -27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब क्या बचा? -1/18 + 1/27. सिंप्लीफाई किया क्या आ रहा है? -1/54. इसका रेसिप्रोकल कर दिया. वी कितना आ गया? -54 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -V/U. वी कितना है? अच्छा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, ध्यान रखना. -V/U होता है, माइनस लिखा हुआ है. वी को आप ब्रैकेट में लिखो, कितना आएगा? -54. और यू भी नेगेटिव है, कितना है? -27. माइनस से माइनस कट जाएगा, सिर्फ -54 बच जाएगा. -54/27 कितना हो जाएगा? -2. कट रहा है ये, तो एम कितना आ गया? -2. अब इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी? नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेचर. रियल एंड इन्वर्टेड. 2 क्या होता है? 1 से बड़ा, मतलब साइज क्या होगी? एनलार्ज. अब मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एम की वैल्यू -2, H गिवन नहीं है, H गिवन है आपको 7. सिंप्लीफाई करेंगे, H कितना जाएगा? -14 सेंटीमीटर. 16 क्वेश्चन डिस्कस कर ले हम लोग. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर. व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? ध्यान समझे इसको हम लोग. पहली चीज, पावर ऑफ लेंस नेगेटिव किसकी होती है? डाइवर्जिंग लेंस की. डाइवर्जिंग लेंस कौन सी होती है? कॉनकेव लेंस. मतलब लेंस कौन सी है? कॉनकेव लेंस. पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/F. तो F का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/P. तो P की वैल्यू कितनी है पावर ऑफ लेंस की? -2. तो 1/-2 कितना हो जाएगा? -0.5 मीटर. -0.5 मीटर को आप लिख सकते हो -50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो. और लेंस कौन सी है? कॉनकेव लेंस. 17 क्वेश्चन देख लें. अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर. अब प्लस है, प्लस किसके लिए होता है? कन्वर्जिंग लेंस के लिए. कन्वर्जिंग लेंस कौन सी होती है? कॉन्वेक्स लेंस. मतलब ये तो कन्फर्म हो गया, लेंस कौन सी है? कॉन्वेक्स लेंस है. फाइंड दी फोकल लेंथ. पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/F. F का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/P. तो 1/1.5. सिंप्लीफाई करोगे, 0.66 मीटर, मतलब 66 सेंटीमीटर. प्लस है मतलब कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस. सारे क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, विथ बैक साइज एंड इंटेक्स क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चंस आप लोग क्लासो कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे.